स्टूडेंट्स आई एम राकेश कुमार सैनी वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल माई नोट्स एंड इफ यू लाइक द चैनल द वे आई प्रिपेर द नोट फॉर यू गाइज सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल यू ऑल्सो शेयर इट विद इन योर फ्रेंड सर्कल एंड ऑफकोर्स लाइक द चैनल सो लेट्स बिगिन द नेक्स्ट टॉपिक डेट वी हैव इज हाउ टू अवॉइड प्रेग्नेंसी हम प्रेग्नेंसी कैसे अवॉइड कर सकते हैं तो देर आर वेरियस मैथड्स एंड दीज मैथड्स आर ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड्स तो काफी सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए फॉर एग्जांपल कॉन्डम्स बेसिकली कॉन्डम्स होते क्या हैं तो दे आर बैलून लाइक इलास्टिक कवरिंग दैट टाइटली फिट्स ओवर द पेनिस तो एक बैलून जैसा होता है और इस तरीके से आपको ये दिखेगा और ये किसी भी पैनिस के ऊपर जो है टाइटली एकदम फिट हो जाता है इसका फायदा यह होता है कि इट कलेक्ट्स एजुकेटेड स्पर्म्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स तो जब भी जो भी स्पर्म रिलीज होगा पेनिस से वो क्या होता है इसके अंदर ही स्टोर हो जाता है तो वो वजाइना के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाता है ठीक है तो इससे भी हम जो फर्टिलाइजेशन है वो रोक सकते हैं सेकेंड है ओरल पील्स दीज आर स्पेशली मिंट फॉर वुमेन एंड दीज पील्स डज नॉट अलाउ ओवल्यूशन टू अकर बेसिकली देखिए ये जितने भी तरीके हैं ठीक है तो एक्सेस में अगर हम कोई भी चीज को यूज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं असर डालती है बॉडी के ऊपर अब कोंडम्स भी अगर एक्सेस में यूज करोगे तो वो भी क्या एक प्लास्टिक कवरिंग है ठीक है तो वो भी कहीं ना कहीं स्किन के अंदर एक्सेस में यूज करने से कहीं ना कहीं दिक्कत देगा ऐसी जो ओरल पिल्स होती हैं अगर ये मान लीजिए छह महीने साल भर दो साल लगातार अगर खाली जाए तो जो ओवल्यूशन है वो धीरे 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 क्या हो जाता है वो डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है मतलब इनएक्टिव हो जाएगा फिर अगर उसके बाद अगर आप चाहोगे कि बेबी कंसीव करना है अपने को तो उस दौरान फिर इसके साइड इफेक्ट्स दूर होने में काफ़ी टाइम लगता है जैसे अगर कोई लेडी अगर दो साल तक अगर ओरल पिल्स ले रही है और उसके बाद वो चाहे कि अगले ही दिन वो प्रेग्नेंट हो जाए तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर दो साल तक पिल खाई हैं तो अगले दो साल तक उसके साइड इफ़ेक्ट्स रहेंगे ठीक है ना तो टोटल एक तरीके से चार साल का गैप आ गया तो काफी सारी चीजें कंसल्ट करनी पड़ती हैं अपने डॉक्टर्स के साथ और उसके बाद ये सब चीजें आपको यूज करने की सलाह देता है डॉक्टर थर्ड है कोपर आईूडी। आईूडी इंट्रा यूट्रीन डिवाइस तो बेसिकली इसका काम क्या होता है ये कॉपर की एक टी शेप में होती है देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाई देगी टी शेप में ये इस तरीके से फिट हो जाती है और ये क्या करती है फ्लोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देती है एक तरीके से तो जो भी स्पर्म आता है वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर एंटर नहीं कर पाता क्योंकि हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है फ्लोपियन ट्यूब में होती है तो वहां तक स्पर्म पहुंच नहीं पाता उसको ब्लॉक कर देता है तो ये इसका फायदा होता है टी का नेक्स्ट हमारे पास सर्जिकल मेथड्स हैं तो इसमें है वास्कटोमी तो वास्टोमी मेनली जो होती है मेल के लिए होती है तो इसमें हम क्या करते हैं जो वास डफर्स होती है मेल की जैसे ये वास डफर्स है तो इसको हम क्या करते हैं कट करके टाई कर देते हैं इसको रिमूवल ऑफ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ वास डफर्स तो ये जो वास डफर्स जा रही है ये ट्यूब इसको क्या करेंगे डॉक्टर इसको निकाल के बाहर और इसको कट कर देते हैं यहां से ठीक है ना इसको बाहर निकाल के कट करके इसको अलग टाई कर देते हैं इसको अलग टाई कर देते हैं तो इस तरीके से जो स्पर्म जो यहां पे कलेक्ट होता है वो आगे ट्रेवल ही नहीं कर पाता तो एक तो ये तरीका होता है ठीक है ना तो इससे भी स्पर्म इस जो है रिलीज नहीं हो पाते बॉडी से तो ये होता है वास्कटोमी जो मेल के अंदर होती है ठीक है ना जो सर्जरी हम मेल के अंदर करते हैं उसको स्टेरिलाइज करने के लिए दूसरा है फीमेल के अंदर जो करते हैं उसको बोलते हैं ट्यूबिकटोमी ट्यूबेक्टोमी ठीक है ना ये फीमेल में होता है इसमें हम क्या करते हैं जो फ्लोपियन ट्यूब होती है फ्लोपियन ट्यूब इसका हम स्मॉल पोर्शन जो है काट देते हैं ये इसको ऐसे कटिंग करके और इसको यहाँ टाई कर देंगे इसको यहाँ पे टाई कर देंगे ऐसे इसको भी काट देते हैं इस पोर्शन को काट के इसको अलग अलग जो है टाई कर देते हैं बांध देते हैं इसको तो इससे भी क्या होता है कि जो एग रिलीज होता है वो फिर आ, रिलीज तो हो गया है लेकिन स्पम जो है वहां तक नहीं पहुंच पाता ठीक है ना और इस वजह से भी जो है फर्टिलाइजेशन अवॉइड कर सकते हैं ये परमानेंट मेथड है टू अवॉइड प्रेगनेंसी तो मेल में है वास्क टोमी जो कि वास डफर से रिलेटेड है और फीमेल के अंदर है ट्यूबक टोमी जो कि फ्लोपियन ट्यूब से कंसर्न है ठीक है नेक्स्ट है एसटीडीज एसटीडीज स्टैंड फॉर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी होंगी तो दीज आर द डिजीज विच ट्रांसफर्स ड्यूरिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट वेरियस डिजीज डेट कैन अकर ड्यूरिंग इंटरकोर्स तो फिजिकल कॉन्टेक्ट के दौरान जो बीमारियां आ सकती हैं वो एक तो है गोनरिया गोनरिया बेसिकली क्या होती है एक बैक्टीरिया है ये ठीक है ना ये बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है ये और ऐसे ही सैफिल्स ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है तो इसको अवॉइड करने का देखिए तरीका यह है कि इंटरकोर्स से पहले और बाद में बिफोर इंटरकोर्स एंड आफ्टर इंटरकोर्स यू शुड वॉश योर जेनेटल एरियाज प्रॉपरली आपको प्रॉपर हाइजीनिक का ध्यान रखना है अपने जेनेटल एरियाज को बिफोर एंड आफ्टर इंटरकोर्स आपको कंप्लीट उसको क्या करना है साफ रखना है तो इससे भी जो हम इस 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 तरह के बैक्टीरिया से हम बच सकते हैं दूसरा है एच आई वी एड्स इट स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो वायरस एक्वायर्ड इम्यून डिफिशेंसी सिंड्रोम तो एक तरीके का वायरस है इसके बारे में तो काफ़ी लोग जानते होंगे ऑलरेडी ठीक है ये किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आप हम आ, उसके साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट बनाते हैं किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ जो कि एच आई वी इन्फेक्टेड है तो ये उससे ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं ठीक है मल्टीपल uh, पार्टनर्स अगर किसी एक बंदे के होते हैं तो उससे ये डिजीज़ जो है आ, फैलने का या बनने का डर रहता है तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये जो है इसका कोई इलाज नहीं है ठीक है ना ये वायरस है और इससे हम नहीं बच सकते तो इसको तो अवॉइड करना ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर दूसरा है जेनेटियल एंड एन एनियल एन अकर ड्यू टू वायरस तो यह भी अलग अलग वायरस है जो आपके जेनेटियल एरियाज में जो एनएस के थ्रू और वैसे जो है ये भी आ सकते हैं तो कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है वाइल्ड डूइंग सेक्स यू शुड मेंटेन ए प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस कैसे प्रिवेंट कर सकते हो एस को एस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो बेसिकली यूज ऑफ कॉन्डम्स कॉन्डम्स आप यूज कीजिए वॉश बिफोर एंड आफ्टर इंटरकोर्स इंटरकोर्स से पहले और बाद में आप अच्छी तरीके से अपने जेनेटिल uh, एरियाज को साफ कीजिए कंफर्म डेट योर पार्टनर इज एच आई वी टेस्टेड बिफोर इंटरकोर्स तो आपका जो पार्टनर है वो एच आई वी टेस्टेड होना चाहिए मतलब आपको यू शुड हैव प्रॉपर फेथ ऑन हिम वाइल गोइंग फिजिकल